नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आती हूं। हर वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स देती हूं या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। एक माह में दो बार प्रदोष व्रत आते हैं। इस दिन हम भोले बाबा का व्रत रखते हैं और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, उपवास नहीं कर सकते, आज मैं उनके लिए उपाय लेकर आई हूँ। मात्र इस उपाय को करने से आप उपवास का लाभ उठा सकते हैं और प्रदोष व्रत पर इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भोले बाबा प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। अगर आपने उपवास रखा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बेलपत्र लेने हैं। कम से कम 11 बेलपत्र ले लीजिए और 11 बेलपत्र के ऊपर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, और इसे भोले बाबा के ऊपर जल अर्पण करने के बाद, अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, तो जल अर्पण करने के बाद एक एक करके आप इस बेलपत्र को भोले बाबा पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है, इसको ऐसे मत समझिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। और इसके साथ साथ मैं आगे भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शिवलिंग का अभिषेक करते हुए, शिवलिंग को स्नान कराते हुए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पंचामृत जो होता है, जो 5 चीज़ों से तैयार होता है, दूध दही घी, इन चीज़ों से तैयार होता है, वो कभी भी तांबे के लोटे में कभी भी नहीं चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जब हम पंचामृत चढ़ाते हैं तो विष बन जाता है, जहर के समान, मदिरा के समान उसको माना जाता है, और मदिरा भगवान को अर्पण करना हमें पुण्य नहीं पाप लगेगा। तो हमेशा या तो स्टील का लोटा लीजिए या चांदी का लीजिए, हमेशा तांबे के लोटे में सिर्फ और सिर्फ जल ही चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, पंचामृत नहीं चढ़ाया जाता। तो अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं, कच्ची लस्सी चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, तो या तो चांदी का लोटा लीजिए या स्टील का लीजिए। इस बात का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिए। और कुछ बातें और ध्यान रखनी होती हैं कि टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी भी ना करें। पूजा के समय टूटे हुए चावल का प्रयोग आप कभी भी ना करें और अपने मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखें। और अगर पार्वती के शिवलिंग की पूजा आप इस दिन करें तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये बहुत ही सिंपल सा जो मैंने आपको बेलपत्र का उपाय बताया है, इसके साथ साथ आप घी का दीपक ज़रूर जलाएं, और घी गाय का होना चाहिए, घी भैंस का नहीं होना चाहिए। मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि पूजा के समय अगर आप भैंस का देसी घी यूज़ करेंगे तो उससे आपके शनि की दशा खराब होती है, तो इसलिए हमेशा गाय का देसी घी ही प्रयोग करें। और शिवलिंग पर कभी भी रोली, जो सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर जो हम माँ को तिलक करते हैं, कभी भी वो नहीं चढ़ाई जाती, हमेशा चंदन चढ़ाया जाता है, पीला सफ़ेद जो आपकी इच्छा हो, लेकिन रोली कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। इस बात का भी ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें अपनी पूजा के समय ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि गलती से बहुत सारी हम ऐसे अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमें पुण्य नहीं पाप लगता है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए और इस सिंपल से उपाय को ज़रूर कीजिए, और दीपक जलाना नहीं भूलिए, और शाम के समय, संध्या के समय भी मंदिर में जाकर दीपक ज़रूर जलाएं, और जो भी आपकी मनोकामना है भोले बाबा के आगे रखें और उनके उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी पूर्ण करें, आपकी ज़रूर इच्छा पूर्ति होगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, दिल से कीजिए, लगन से कीजिए, क्योंकि भगवान, हमारी आस्था हमारे प्यार के भूखे हैं, वो हमारे पैसे के भूखे नहीं हैं, पैसा तो उन्होंने ही दिया है, वो हमारी आस्था के भूखे हैं कि आप कितने मन से उन्हें याद करते हैं, वो एक ज़रा से फूल से भी खुश हो जाएंगे। भोले बाबा तो वैसे ही बड़े भोले हैं, एक छोटे से फूल से भी वो खुश हो जाएंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, और जो मैंने बातें बताई हैं उसका ध्यान ज़रूर रखें। इसके साथ साथ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आपको धन की दिक्कत है, कर्जे की दिक्कत है, आपकी शादी नहीं हो रही, या किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी कुंडली एक योग्यवर ज्योतिष को दिखाने की। अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।